तो दोस्तों, अगर आपको YouTube पर अपनी वीडियो वायरल करना है या शॉर्ट्स वायरल करना है तो आपकी वीडियो की आवाज की क्वालिटी जो है वो एकदम से हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखो, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, जितने भी वीडियोस यहाँ पर आप देखोगे कि मिलियंस में व्यूज जितने भी वीडियो पे गए हुए हैं, उन सभी वीडियो की आवाज जो है एकदम से हाई क्वालिटी की है। अगर आपको 2023 में इस कंपटीशन भरे दुनिया में अगर आपको अपनी वीडियो वायरल करनी है तो आपकी अपनी आवाज की क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा हाई रखना होगा। जितनी ज्यादा आपकी वीडियो की क्वालिटी होगी, जितनी ज्यादा आपकी वीडियो की वॉइस क्वालिटी होगी, YouTube उतने ज्यादा वीडियो को वायरल करेगा। क्योंकि आपकी वीडियो की आवाज की क्वालिटी अगर एकदम क्लियर रहेगी, क्रिस्पी रहेगी, कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं रहेगा तो लोगों को सुनने में भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर शॉर्ट्स वीडियो रहेगी तो लोग उसे अपने WhatsApp पर भी शेयर करते हैं। आपको भी पता है कि जिस वीडियो की क्वालिटी, आवाज की क्वालिटी अगर अच्छी होती है, वो वीडियो आपको देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी आप देखोगे कि मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं, ये अपने इस फोन से वीडियो शूट कर रहा हूं अपने आवाज की। और यहां पर देख सकते हो कि फैन अभी चल रहा है, ऊपर में आप देख सकते हो कि फैन चल रहा है, और इस फैन की आवाज आप अभी इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपने इसी फोन से, ये देखो यहाँ पर देखो, इस फोन से मैं अपने वीडियो को शूट कर रहा हूँ, अपनी आवाज को शूट कर रहा हूँ, और इसके बाद से इस वीडियो की आवाज को एडिट करूंगा तो आप देखो कि इस वीडियो में कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं आपको सुनने को मिल रहा होगा। लेकिन एक बार मैं इस ओरिजिनल वॉइस को चला देता हूँ, आप देखो कितना बैकग्राउंड नॉइज है। अभी आप जो ये वीडियो की आवाज सुन रहे हो, ये ओरिजिनल है, मैंने इसको बिना एडिट किए हुए अभी आपके सामने इसको थोड़ा सा सैंपल में रखा हुआ है। अब यहाँ पर सुनोगे कि ये जो वीडियो की आवाज है, अब मैंने इसको एडिट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली बात बता दूं कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको फैन चलाना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगता है, और अगर आप फैन बंद कर देते हो तो गर्मी ज्यादा लगने लगती है, और जब फैन चला देते हो तो भैया वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज आने लगता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो काफी सारे लोगों ने मुझसे एक डिमांड किया कि राहुल सर, आप वीडियो बनाते हो तो आपकी वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज जो है बिल्कुल भी नहीं आता, आप मुझे प्लीज बताइए, वीडियो बना करके बताइए कि आप अपने वीडियो की आवाज को कैसे एडिट करते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फोन से ही वीडियो की आवाज को शूट करके, रिकॉर्ड करके, एकदम से महंगे माइक की ही तरह आपकी आवाज हो जाएगी। आपको हजारों रुपए खर्च नहीं करना है, आपके पास में इस तरह से एक फोन होना चाहिए, उससे अपने वीडियो की आवाज को रिकॉर्ड कीजिए और इसके बाद एडिट कीजिए। 2 मिनट में आपकी वीडियो की आवाज एडिट हो जाएगी और इसके बाद आप उसे अपने वीडियो में लगा सकते हैं। सब कुछ अच्छे से प्रोसेस से मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद वीडियो में ऐड करके भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको वीडियो में आवाज ऐड करना है, कैसे शूट रिकॉर्ड करना है और कैसे एडिट करना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि यार, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप की वीडियो हमेशा आपको यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इसी फोन से अपने वीडियो की आवाज को एकदम से कंप्यूटर की तरह आप कैसे एडिटिंग करते हो सिर्फ इसी फोन से। दोस्तों, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखिए, मैं आपको एकदम से डिटेल में करके दिखाने वाला हूँ, बस ध्यान से आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को देख लोगे, इसके बाद में आप अपने किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को, चाहे जितना भी उस वीडियो में बैकग्राउंड हो, एकदम ईजिली तरीके से आप अपने उस बैकग्राउंड को हटा सकते हो और आपकी वीडियो की आवाज जो है ना एकदम से क्रिस्पी हो जाएगी। बस ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जैसे मान लीजिए वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपके पास में फोन नहीं है, ठीक है, आपके पास में सिंगल फोन है, उसी से अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो। इसी तरह से जैसे देख लीजिए, मैं अभी अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें मेरी डायरेक्ट आवाज जो जा रही है उससे भी आप कर सकते हो, उसमें भी बैकग्राउंड नॉइज आएगा, उसको भी हटाने का तरीका बताऊंगा। और मान लीजिए अगर आपके पास में 2 फोन है तो एक फोन को इस तरह से एकदम से स्टेडी रखिए ताकि हिले डुले ना, आप उसमें अपने वीडियो की आवाज को रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने के बाद में देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि मैंने जो रिकॉर्ड किया हुआ है उस आवाज को अभी मैं आपको आपके सामने ओपन करके दिखा दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए, रिकॉर्डर मैंने ओपन किया। अब रिकॉर्डर ओपन करने के बाद में यहां पर देखिए, मैंने जो रिकॉर्ड आवाज किया हुआ है, ये देखो 3 मिनट 2 सेकंड का, इसको मैं ओपन करके सुना दे रहा हूं। आप एक बार ध्यान से इस आवाज को सुनो। तो आपकी वीडियो की आवाज की क्वालिटी आपने सुन लिया, ये रहा अभी मैंने इस वीडियो को आवाज को रिकॉर्ड किया है। अब इसको मैं एडिट करूंगा आपके सामने, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। मैं बैक चलता हूँ। चलिए, बैक जाने के बाद में अब आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, नॉइज रिडक्शन। ध्यान से देखिएगा, जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर एक एप्लीकेशन है ऑडियो वीडियो नॉइज रिड्यूसर, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में आपको बैक आ जाना है।
बहकाने के बाद में देखिए मैंने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया है, तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को वहाँ पर ओपन करता हूँ। देखिए मैंने अपने फोन में इस एप्लीकेशन को ओपन किया, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इस वीडियो की आवाज़ को एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से आएगा, इसको ध्यान नहीं देना है, बैक कर देना है। बैक कर दोगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, प्ले नॉइज लेस, यानी कि आप जो वीडियो की आवाज़ को एडिट करोगे यहाँ पे आपको सुनाई देगा, और यहाँ पर प्ले ओरिजिनल, यानी कि आप जो ओरिजिनल वॉइस यहाँ पर ऐड करोगे वो सुनाई देगा। तो चलिए मैं एक बार प्ले ओरिजिनल पे सुना देता हूँ, इसमें जो सैंपल दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई 1, 2, 3, 4, 5 बोल रहा है और बैकग्राउंड में कितना ज्यादा नॉइज है। और इसके बाद अब मैं प्ले नॉइज लेस पे क्लिक करके सुनाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 तो आपने देखा कि बैकग्राउंड नॉइज पूरी तरीके से हट गया, ये तो सैंपल था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आवाज को इसमें एडिट कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आवाज को एडिट करके सेव भी करना इसमें आपको आना चाहिए, अदरवाइज एडिट कर लोगे आपको सेव करना आएगा ही नहीं तो क्या करोगे, फोन में आपका जाएगा ही नहीं, कैसे करोगे। तो सब कुछ आपको मैं बारीकी से बताऊंगा, ध्यान से आप इस वीडियो को देखते रहो। इसके बाद में यहाँ पर मैंने सैंपल पे देखिए यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन लिखा गया ना, इम्पोर्ट फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आएगा, एक है ऑडियो और एक है वीडियो, यानी कि अगर आप फोन से अपने वीडियो की ऑडियो को रिकॉर्ड करते हो तो इसको भी रिकॉर्ड कर यहाँ पर एडिट कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर मान लीजिए आपने वीडियो शूट किया उसमें बैकग्राउंड नॉइज है उसको आपको एडिट करना है वो भी आप एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ऑडियो पे क्लिक करता हूँ, और मैंने जो वीडियो का आवाज रिकॉर्ड किया था उस आवाज को यहाँ पर मैं लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड फाइल यहाँ पर है, इस फाइल को यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो आपके सामने 5 सेकंड का एड चलेगा। ठीक है, इस एड को यहाँ पर इस तरह से आपको कट कर देना है, और यहाँ पर देखिए मेरी जो आवाज है वो डीनॉइजिंग हो रही, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड नॉइज है वो हट रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ, देखिए यहाँ पर फिनिशिंग प्रोसेस हो गया है, इसको ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद में सबसे पहले मैं आपको जो नॉइज लेस हुआ है, जो कि बैकग्राउंड नॉइज हटा हुआ है, उसको मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों अगर आपको YouTube पर अपनी वीडियो वायरल करना है या शॉर्ट, आपने देखा ना कि बैकग्राउंड नॉइज कितना ज्यादा घट गया है, मतलब ना के बराबर इसमें बैकग्राउंड नॉइज है। और एक बार ओरिजिनल मैं आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको YouTube पर अपनी वीडियो आपने देखा कितना ज्यादा इसमें बैकग्राउंड नॉइज है, और जो कि बैकग्राउंड नॉइज हटा हुआ है वो देखो कितना ज्यादा क्रिस्पी और क्लियर हो गया, और एकदम आवाज का टोन जो है एकदम बहुत ही जबरदस्त हो गया। तो इस तरह से आप अपने वीडियो के ऑडियो, यानी कि ऑडियो को यहाँ पर एडिट कर सकते हो। ये रहा ऑडियो का। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसमें, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको सेव कैसे करना है, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ कि वीडियो की आवाज को कैसे एडिट करना है। तो देखो अब ये मेरा 3 मिनट का ये है जो ऑडियो है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सेव एज पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0 बैलेंस, यानी कि आपका बैलेंस इसमें मेरा 0 बैलेंस है। 0 बैलेंस मतलब कि 3 मिनट की वीडियो है तो मुझे 3 मिनट का बैलेंस चाहिए। अब उसके लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो परचेज करना है, तो आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है, यहाँ पर हमको एड्स देखना है। ठीक है, एड अगर आपको देखोगे तो उसमें आपको मिनट मिलेंगे, और उसी मिनट को आप अपने एडिटिंग में आप लगाओ। ठीक है, वॉच एड पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने 14 से 15 सेकंड का एक एड चलेगा। अब ये एड जैसे ही खत्म होगा तो यहाँ पर आपको मिनट्स मिलेंगे। कैसे मिनट मिलेंगे, ये जैसे एड यहाँ पर खत्म होने वाला, ये देखिए 5 मिनट 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड, तो यहाँ पर ये देखिए एड यहाँ पर खत्म हो गया। अब जैसे ही मेरा एड यहाँ पर खत्म हो गया, ये देखिए मुझे कितना मिल गया, 5 मिनट बैलेंस मुझे मिल गया। अब इस 5 मिनट से आप अपने 5 मिनट की वीडियो की ऑडियो को सेव कर सकते हैं। तो देखिए चलिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर मैं सेव एज पे मैंने क्लिक किया, तो अब देखिए हमारे सामने ये पूछ रहा है कि आप कौन से फॉर्मेट में अपने वीडियो की आवाज़ को सेव करना चाहते हो, यानी कि आप अपने जो ऑडियो को एडिट किए हो उसको कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए WAV, AAC और MP3 लिखा है, तो ऊपर दो चीज़ों को हमको ध्यान नहीं देना है, हमको MP3 में सेव करना है। MP3 मैंने क्लिक किया, अब देखिए 2 सेकंड से ही कम टाइम में हमारी जो आवाज़ है वो सेव हो गई। अब जो ये आवाज़ सेव हुई है ये कहाँ पे मिलेगी हमें, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो फाइल वाला फोल्डर बना हुआ है इस पर आप क्लिक करके आप जितने भी अपने ऑडियो की आवाज़ को एडिट करोगे सारा यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप वीडियो की आवाज़ को कैसे एडिट कर सकते हो, यानी कि जो डायरेक्ट आप फोन से वीडियो शूट किए रहोगे उसकी आवाज़ को आप एडिट कैसे कर सकते हो। तो सिंपल से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो पे आना है, वीडियो पे आने के बाद में देखिए जो भी वीडियो यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट जितने भी अभी आप वीडियो रहेगी, ठीक है, उस वीडियो के आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर एड जैसे ही खत्म हुआ मेरा वीडियो प्रोसेसिंग फिनिश्ड हो गया। ठीक है, अब इसकी आवाज को कैसे सेव करना है, सिंपल से आप यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करो, या तो आप MP3 यानी कि वीडियो की आवाज को डायरेक्ट आप सेव कर सकते हो, या तो पूरा वीडियो ही सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो के सिर्फ आवाज को आप सेव करो और वीडियो में जाकर के फिर से अपनी आवाज को ऐड कर लो काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर में। तो यहाँ पर MP3 पे जाओ और MP3 पे क्लिक करने के बाद अब देखिए आपकी आवाज जो है यहाँ फाइल में यहाँ पर आकर देखोगे तो आपकी आवाज जो है वो सेव हो गई, आपकी वीडियो की एड जो वॉइस है वो सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो की आवाज को एडिट कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए, आपको सिंपल से एप्लीकेशन प्ले स्टोर मिलेगा और आपने वीडियो की आवाज को एडिट कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।